तो निश्चय में हम बना रहे हैं मसाला बाटी, जिसके लिए थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी अदरक और हरी मिर्च, साथ ही में साबुत धनिया थोड़ा बारीक किया हुआ, और इसमें डालेंगे थोड़े से काजू। इन सभी को ऑयल में सौते कर लेंगे, और जब ये हल्का सा भुन जाएगा तब इसमें बाकी सामान डालेंगे। तो आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर, लेकिन पनीर इसमें ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो पनीर को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें डाल रहे हैं किशमिश, किशमिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा सा नमकीन टेस्ट को वो बैलेंस आउट कर देती है। मसाला बाटी में थोड़े से मटर डालें तो टेस्ट और अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रोज़न मटर। आपके पास में फ्रेश मटर रखे हो तो वो भी इसमें मिला सकते हैं, फ्रोज़न मटर हैं तो फ्रोज़न मटर भी काम में ले सकते हैं, और अगर आपके पास मटर नहीं है तो इसको बिना मटर के भी बना सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और सौंफ मिलाएं, थोड़ा इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और अच्छे से मसाले डाल करके मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे। मसाले जब भुन जाएंगे तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर और गरम मसाला, ये डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, आलूओं को हमने ऑलरेडी उबाल रखा है, उनको छील लिया है और थोड़ा सा मैश भी कर लिया है। अब अच्छे से आलूओं को इस मिक्सचर के साथ में मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो बस मसाला बन करके तैयार है। अब बाटी बनाना शुरू करेंगे, तो बाटी के लिए रेगुलर आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आटा लगाया है पालक के पानी से। बाटी के लिए सॉफ्ट आटा काम में लेंगे, और जैसे मेजरमेंट ये लेना है, अगर एक कप आप गेहूँ का आटा लेते हैं तो उसमें डालें थोड़ा सा नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल या घी डालें, और फिर उसमें पानी डाल करके सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने पालक को पानी के साथ में ग्राइंड कर लिया और उस पानी से आटा लगाया है, ताकि ग्रीन कलर का पालक का आटा तैयार हो। फिर आटा लगा करके थोड़ी देर के लिए आटे को एक साइड में रखेंगे, और 15-20 मिनट बाद में उस आटे में से छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ेंगे, और इस तरह से जैसे कचौरी फिल करते हैं उस तरह से मसाले को उसमें फिल करेंगे, और ऐसे बाटियां बना करके तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल या घी गरम करेंगे, और जब ये मीडियम फ्लेम पर होगा, हल्का गरम ही होगा, बहुत तेज़ गरम नहीं रखना है ऑयल को, तो हल्के गरम ऑयल में एक एक करके बाटी को डालेंगे और इस तरह से इन्हें पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो बाटियों का कलर जब चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब बाटियों को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो बाटी कम कचौरी बनकर के तैयार है, बहुत टेस्टी है। आप चाहें तो इनको ऐसे भी काम में ले सकते हैं किसी चटनी के साथ में, लेकिन अगर आपको एकदम राजस्थान स्टाइल की बाटियां खानी है तो एक एक बार इन्हें घी में डिप करें और घी में डूबी हुई बाटियों को सर्व करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।